रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत के कमर्शियल एक्सपोर्ट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं का निर्यात दोगुना हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीने यानी अप्रैल से अगस्त के बीच भारत ने 2021-22 की तुलना में गेहूं की दोगुनी मात्रा का निर्यात किया है। खास बात यह है कि बीते मई महीने में सरकार ने अचानक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद भी भारत ने पिछले साल के मुकाबले डबल मात्रा में गेहूं का निर्यात किया है। कमर्शियल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अप्रैल अगस्त 2022-23 के दौरान 43,50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया है, जो पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 116.7% अधिक है। जबकि इस साल फरवरी के अंत में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण से निर्यात को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण भारतीय गेहूं की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल में निर्यात 14,71,000 टन तक पहुंच गया था, जो पिछले साल अप्रैल में निर्यात किए गए 2,42,000 टन से 500% अधिक रहा। बीते 13 मई को घोषित प्रतिबंध के बाद उस महीने के लिए निर्यात घटकर 10,69,000 टन हो गया। हालांकि इसके बाद भी मई 2021 में निर्यात किए गए 4,08,000 टन से 164% अधिक रहा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 13 मई को घोषित प्रतिबंध के बाद गेहूं के निर्यात में गिरावट आई। जून में 7,24,000 टन, जबकि जुलाई में 4,94,000 टन, तो अगस्त में 5,80,000 टन, जबकि जून, जुलाई और अगस्त 2021 में 4,57,000 टन, 3,75,000 टन और 5,22,000 टन गेहूं का निर्यात किया गया था। भारत ने अप्रैल में 44 देशों को गेहूं का निर्यात किया। इस दौरान बांग्लादेश को सबसे ज्यादा गेहूं दिया गया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम को सबसे कम गेहूं मिला। भारत ने जून 2022 में 11 देशों को गेहूं का निर्यात किया है, जबकि जुलाई में केवल 5 देशों यानी कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और अंगोला, और अगस्त में 8 देशों को गेहूं दिया। प्रतिबंध के बाद के महीनों में इंडोनेशिया भारतीय गेहूं के शीर्ष खरीदारों के रूप में उभरा। इस अवधि में 18,00,000 टन गेहूं का निर्यात लगभग 7,00,000 टन इंडोनेशिया को गया। अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने की अवधि में इंडोनेशिया बांग्लादेश के बाद भारतीय गेहूं के लिए दूसरा निर्यात गंतव्य रहा। इसी तरह आटे का निर्यात भी चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में दोगुना देखने को मिला। अप्रैल अगस्त 2021 के दौरान 1,64,000 टन की तुलना में इस साल 4,49,000 टन आटे का निर्यात किया गया है। सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मेडागास्कर और जिबूती अप्रैल अगस्त 2022 के दौरान भारतीय आटे के शीर्ष 5 खरीदार रहे। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध 106 मिलियन टन के कम गेहूं उत्पादन और कम खरीद और बढ़ती घरेलू कीमतों के बीच आया। वहीं घरेलू बाजार में भी गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में हाल ही में काफी तेजी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से निर्यात बढ़ा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर भी गेहूं की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।